नमस्कार, आप देख रहे हैं आज के पीलाई न्यूज। धार जिले के सरदारपुर न्यायालय में पेशी से पहले भागा आरोपी। डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने पकड़ा है। झाबुआ जिला जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर पेश करने सरदारपुर लाई थी झाबुआ पुलिस। झाबुआ स्थित जिला जेल से सरदारपुर न्यायालय में प्रोटेक्शन वारंट पर पेश करने ला रहे एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। करीब डेढ़ घंटे तक पुलिस को छकाने के बाद आरोपी को एक खेत से एसडीओपी कार्यालय की टीम ने पकड़ा है। जानकारी के अनुसार झाबुआ डीआरपी लाइन के एक एएसआई व एक आरक्षक तथा काली देवी थाने पर पदस्थ एक आरक्षक झाबुआ जिला जेल से आरोपी जितेंद्र पिता भुवान सिंह ग्राम घोर थाना खांडा को प्रोटेक्शन वारंट पर पेश करने तू सरदारपुर न्यायालय ला रहे थे। इस दौरान आरोपी सरदारपुर में पंचमुखी चौराहे के समीप से हथकड़ी को झटका देकर भाग गया। आरोपी को लेकर आ रहे पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। उस दौरान प्रधान आरक्षक के कपड़े भी फट गए बताया जा रहा है। आरोपी जितेंद्र तहसील कार्यालय के पीछे से माही नदी पार कर रेलिया डैम क्षेत्र में भाग निकला। आरोपी के भागने की सूचना स्थानीय पुलिस को जैसे ही मिले वैसे ही पुलिस सक्रिय हो गई। सरदारपुर एसडीओपी कार्यालय की टीम से ही सरदारपुर थाना पुलिस ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को तलाश लिया। एसडीओपी कार्यालय की टीम ने आरोपी जितेंद्र को अंग्रेजी माध्यम स्कूल के पीछे एक खेत से पकड़ा है। आरोपी खेत में सोयाबीन की फसल के बीच सो गया था, जिसे एसडीओपी कार्यालय के प्रधान आरक्षक बदिया वसुनिया, संदीप बीलवाल, उमेश बावनिया, दुर्गेश पाटीदार एवं पुलिस चौकी दसई के आरक्षक राजू टगरिया ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि आरोपी जितेंद्र चोरी व स्नेजिंग का आरोपी है, जिस पर झाबुआ जिले के काली देवी थाने पर अपराध पंजीबद्ध है। साथ ही सरदारपुर थाना क्षेत्र में हुई एक लूट की घटना का भी आरोपी बताया जा रहा है। आरोपी के भागने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई। सरदारपुर थाना प्रभारी प्रदीप खन्ना सहित पुलिस बल ने रेलिया डैम क्षेत्र में करीब डेढ़ घंटे तक आरोपी की तलाश की है। आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया है। देखिए खबर इसके पीलाइव न्यूज पर।